थ्योरी की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ये क्या है? S1 S2, ये एक रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। ये क्या है? रिफ्रैक्टिंग सरफेस या इंटरफेस कह सकते हैं। इसके ऊपर रेयरर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है, और इसके नीचे डेंसर मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 है। ठीक है भाई, एक वेव फ्रंट आया, नाम इसका ए बी। थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर लेते हैं। इसमें लाइट रे हैं स्मॉल ए और स्मॉल बी। यहाँ पे रेयरर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट C1, और यहाँ स्पीड ऑफ लाइट C2। तो अब ये ए पॉइंट स्ट्राइक कर गया इंटरफेस से, अब ये दूसरे मीडियम में पहुंचेगा। जब मीडियम चेंज होगा तो स्पीड ऑफ लाइट बदल जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाएगी क्योंकि डेंसर मीडियम है, कम हो जाएगी तो इसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी, है ना। जब फोर व्हीलर ट्रेवल करता है और एक साइड से मोशन को रोक दिया जाए या स्पीड स्लो डाउन कर दी जाए तो गाड़ी टर्न कर जाती है, ऐसा ही कुछ लाइट के साथ होता है। हाँ, सेम कुछ फिनोमेना यहाँ होगा। तो ये बी वाला जो पॉइंट है वेव फ्रंट का, इट विल कीप ऑन मूविंग लाइक दिस। लेकिन ये क्या होगा, थोड़ा सा बात समझ रहे हैं, इस तरह से बैंड हो जाएगा। ये नाप के कंपास से वही इसको मेजर करके यहां A1 मार्क करेंगे, ये होगा, ये नई पोजीशन होगी वेव फ्रंट की। बात समझ में आ रही है? रोज वही समझा रहा हूं, यूं आ रहा था, अब ये स्लो मोशन में चलेगा, वो तेज चलेगा, तो ये यूं जाएगा। ठीक है, अगर ये मीडियम सेपरेट ना होते, ये दो मीडियम ना होते, तो मोशन ऐसा चलता रहता। तो ये होता नया वेव फ्रंट, इसको A2 मान लेते हैं, होता के नहीं होता, लेकिन क्योंकि मीडियम बदल गया तो वेव फ्रंट बैंड हो गया, ऐसे आते आते यूं चला गया। समझ रहे हो बात को? ये कहानी हो गई। अब एक तीसरी लाइट रे की हेल्प से समझने की कोशिश करें। लाइट रे ले ली मैंने सी, ये एम, ठीक है। अच्छा, ये जाने वाला था यूं, लेकिन बैंड हो गया, यहां पर परपेंडिकुलर डाल लिए। बात समझ में आ रही है? अगर ये दो मीडियम ना होते तो एम एन, ये पॉइंट एम आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहां लिख देता हूं एम, ये एम एन क्या होता? रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवलेट एट पॉइंट एम। लेकिन क्योंकि डेविएशन हुआ है, बेंडिंग हुई है, रिफ्रैक्शन हुआ है, इसलिए अब एम के वुड बी द रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेव फ्रंट। बात को समझो, नहीं आ रहा कोई बात नहीं, दोबारा समझा देता हूं। ये रिफ्रैक्टिंग सरफेस है या दो मीडियम का इंटरफेस है, इसके ऊपर रेयरर मीडियम है और नीचे डेंसर मीडियम है। यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 स्पीड ऑफ लाइट C1, यहां रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 स्पीड ऑफ लाइट C2 है। वेव फ्रंट ऐसे आ रहा था, अगर ये मीडियम अलग ना होते, मीडियम चेंज नहीं होता तो ये सीधा निकल जाता, लेकिन क्योंकि मीडियम बदल गया तो स्पीड ऑफ लाइट बदल गई, तो जो पॉइंट टकराएगा इस रिफ्रैक्टिंग सरफेस से उसकी स्पीड स्लो डाउन हो जाएगी और दूसरा वाला पॉइंट एज सच अपनी नॉर्मल स्पीड से मूव करता रहेगा। तो ये ड्रिफ्ट वाली कंडीशन हो गई, ये यूं आकर के यूं जाएगा। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज द
ओरिजिनल वेव फ्रंट ए बी, लाइट रेज इसमें स्मॉल ए और स्मॉल बी, ए पॉइंट का मोशन रुक गया या रुक सा गया, स्लो डाउन हो गया, बी पॉइंट ऐसा चलता रहेगा बी वन तक। अब ये बनेगा नया वेव फ्रंट। ये मैंने ऐसे ही बना दिया, लेकिन बनाने का प्रॉपर तरीका होता है कंपास की हेल्प से। इसको मेजर करेंगे, आर्क लगाएंगे और आर्क लगा करके फिर यहां ए वन बनाएंगे। क्योंकि रिफ्रैक्शन हुआ है इसलिए ए वन बी वन इज द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट। अगर रिफ्रैक्शन ना होता, ये दो मीडियम ना होते, तो ये वेव फ्रंट एज सच ट्रेवल करता रहता और नई पोजिशन वेव फ्रंट की क्या होती, ये ए टू बी वन। इतनी बात समझ में आई? हमें ये प्रूव करना है कि ए वन बी वन इज द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट, ए वन बी वन इज द न्यू पोजिशन ऑफ वेव फ्रंट, जिसके लिए हम एक तीसरी लाइट रे की हेल्प लेंगे सी। ये यहां स्ट्राइक करेगी एम पॉइंट पे, अगर ये सीधा जाता तो ये पॉइंट एन मान लिया, और यहां पर परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये पॉइंट के मान लिया। इतनी बात समझ में आ गई? अब डायग्राम क्लियर है तो उस पर काम कर सकते हैं, पक्की बात है। कोई दिक्कत समस्या परेशानी है इसमें तो बताओ, कोई प्रॉब्लम? चलिए नहीं है, चलें आगे। दोनों डायग्राम सेम है, डायग्राम क्लियर हो गया तो मिटा दूं? ये ट्रायंगल पकड़िए, ये नीचे वाले, एक बड़ा एक छोटा, ट्रायंगल ए ए वन बी वन और ट्रायंगल एम के बी वन, क्या दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं? बोलो, सिमिलर है नहीं है? सिमिलर के लिए दो प्रॉपर्टी मैच करानी होती है, मैच हो रही है नहीं हो रही है? एंगल बी वन दोनों में आ रहा है या नहीं आ रहा है? और एंगल ए वन एंगल के इक्वल होगा? दो प्रॉपर्टी मैच हो गई तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हुए या नहीं हुए? हाँ बेटा, शाबाश, दसवीं पास हो गई तुम्हारी। सिमिलर हो गए तो साइड्स का रेशो सेम होगा, इतनी बात समझ में आई? यहां तक कोई दिक्कत? अब ये वाले ले लो, ये बड़े वाला और इसका ही छोटे वाला, ट्रायंगल ए ए टू बी वन और ट्रायंगल एम एन बी वन, इन दोनों को सिमिलर प्रूव करें तो दो दो प्रॉपर्टी मैच हो जाएंगी। एंगल बी वन इज इक्वल टू एंगल बी वन, दोनों क्या है? कॉमन। और दूसरा एंगल ए टू इज इक्वल टू एंगल एन ईच, तो ये भी क्या हो गए? तो इनमें भी साइड्स का रेशो सेम होगा, अब इन दोनों इक्वेशन में एलएचएस सेम है क्या? नहीं, ये ए बी वन लेना था मुझे, अब सेम है क्या? तो आर एच एस भी सेम होंगे, अब देखिए जरा ये क्या है, ए ए वन
रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट, और एम के बी क्या है, रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट, ए ए टू क्या है, अगर ये दो मीडियम ना होते, सेम मीडियम होता तो रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट, तो ये भी क्या होगा, रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट। अब एम के अगर रेडियस ऑफ सेकेंडरी वेवफ्रंट है तो ए वन बी वन सेकेंडरी वेवफ्रंट होगा या नहीं होगा, यही प्रूव करना था। समझ में आई बात नहीं आई?